स्टूडेंट वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माइग्नो सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक बार आपके लिए न्यू सॉल्व असाइनमेंट लेकर आई हूँ, यानी कि न्यू सब्जेक्ट का, जिसमें हमने BAPI 006 का सॉल्व असाइनमेंट लिया है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग का ये सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट, ये जो असाइनमेंट्स आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड है। अगर आप इन असाइनमेंट्स को यूज़ करते हैं अपना असाइनमेंट बनाने के लिए, यानी कि इन PDF का यूज़ करते हैं, तो आप इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी असाइनमेंट्स आपको मैं शो करूंगी इस वीडियो में, उसमें काफ़ी अच्छा आपका कंटेंट दिया हुआ है और फॉर्मेट भी काफ़ी बेटर तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं अपना असाइनमेंट बनाने के लिए, तो उसके फुल मार्क्स आप जो है अपने असाइनमेंट्स के स्कोर कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिखाने वाली हूँ, जो भी BAPI 006 में आपके पूछे गए हैं। और ये मैंने 23-24 सेशन का जो है यहाँ पे सेशन लिया है, इसमें सॉल्व असाइनमेंट हम देखने वाले। इसके साथ स्टूडेंट, अगर आप थ्योरी में भी जो है अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अपने असाइनमेंट में भी और थ्योरी में भी, तो थ्योरी में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है या हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, और उसकी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेके अपने मार्क्स जो है अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे जो है क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपको जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे जो आपकी बुक के टॉपिक्स हैं वो भी आपको क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, यहाँ पे आपकी दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी और साथ साथ में आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और इसकी अदर इन्फॉर्मेशन आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। और ये आपका सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट टाइटल इस पे दिया हुआ है। सैंडविच की तरफ से सॉल्व असाइनमेंट है 23-24 सेशन के स्टूडेंट लिए, यानी कि जून 23 और जनवरी 24 के स्टूडेंट्स के लिए ये असाइनमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी 50 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है और 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। इसमें हर क्वेश्चन के आगे 10 मार्क्स दिए हुए हैं और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, इसका मतलब 50 मार्क्स का आपका पूरा असाइनमेंट हो गया। और हर क्वेश्चंस का आपको पूरा पूरा आंसर करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसे 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इजी सब्जेक्ट है ये आपका। अगले पेज से अब इनके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। अब यहाँ से आप अपना असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से आप लिखेंगे और एक लाइन स्किप करके फिर आपको अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जिसके लिए आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ कट फ्लावर्स इन द प्रेजेंट एरा ऑफ मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स इन इंडिया। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, और इसी में दूसरी चीज़ पूछी गई है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ रोज। जो फर्स्ट है उसमें आपको हाइलाइट्स करने हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कट फ्लावर्स, और उसके बाद आपको रोज़ का प्रोडक्शन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। दो चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी गई हैं, तो इन दोनों को अलग अलग पैरा यूज़ करके आप जो है डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हैं कितने बेटर तरीके से ये पूरा आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, काफ़ी जो है यहाँ पे पॉइंट्स बना के एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। सभी क्वेश्चन का आंसर्स करने के लिए ये सेम फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से अगर आप पैटर्न, इसी पैटर्न में अपना बनाते हैं असाइनमेंट, तो इसके जो है काफ़ी बेटर मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और ये सारे आंसर स्टूडेंट आपके वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और आपकी इग्नो की जो भी गाइडेंस थी उन सभी को फॉलो किया हुआ है, तो आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ईजिली आप असाइनमेंट यहाँ पर पूरा बना सकते हैं और इसके अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। फ्री PDF वीडियो है ये, अगर आप इसको सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके इसको बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। हैंड रिटन का अगर आप ऑर्डर देते हैं, हैंड रिटन भी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में आपको मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट है, और इसी तरह सेम फॉर्मेट में इसका भी आंसर दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग ऑफ ग्लैडुलस। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ग्लैडुलस के बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टुलिप फ्लावर्स इन द प्रेजेंट एरा ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एंड डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ टुलिप। अब अगले में आपको जो है टुलिप का प्रोडक्शन बताना है। तो यहाँ पे पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ टुलिप, यहाँ पे पहले हेडिंग दी हुई है फिर उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, मैनी फ्लावर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एसेंशियल ऑयल्स, राइट सिग्निफिकेंस ऑफ एनी 3 एसेंशियल ऑयल इन आर लाइफ, ऑल्सो डिस्कस द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ जैस्मिन। अब यहाँ पे आपको असेंशियल ऑयल्स प्रोडक्शन के बारे में बताना है और जैस्मिन का प्रोडक्शन कैसे से होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो स्टूडेंट इसी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं, सेम पैटर्न यूज़ करना है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आप इस असाइनमेंट के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसी का सॉफ्ट कॉपी या हैंड रिटन बनवाना चाहते हैं तो उसका भी ऑर्डर आप दे सकते हैं, हैंड रिटन भी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में आपको दिया जाएगा और सारी आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बनाया जाएगा, तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थ्योरी में अच्छे मार्क्स अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे ले सकते हैं। आप जो है अपना सब्जेक्ट बता के हमें, अगर आप उस सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं।